हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे किसी भी फोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट किया जाता है, चाहे वो जेपीजी हो या पीएनजी फाइल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और आपको यहाँ पर टाइप करना है स्मॉल पीडीएफ। टाइप करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जेपीजी टू पीडीएफ, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे जेपीजी पीएनजी गिफ सब आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ जा कर सीधा इसी वेबसाइट पर आ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रॉम डिवाइस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से जैसे मैं मिर्ची ले लेता हूँ, मिर्ची को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ पीडीएफ में। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से आप यहाँ पर इसके मार्जिन को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटो रख देंगे तो ये मार्जिन चले जाएगा। यहाँ पर स्मॉल मार्जिन, नो मार्जिन के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पर मार्जिन नहीं रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं ये कन्वर्टिंग हो रहा है। उसके बाद डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने पर ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो रहा है। देख सकते हैं ये डाउनलोडिंग चल रहा है फ्रेंड। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। अब इसे करते हैं ओपन। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पीडीएफ ही है, क्योंकि ये पीडीएफ सिर्फ गूगल ड्राइव में ही खुला है। तो इसका मतलब ये पीडीएफ ही है, अभी हम लोगों ने कन्वर्ट किया। इसी तरह से आप भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अपने पीडीएफ में लॉक लगाना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं, तो आई बटन के ऊपर क्लिक करके वीडियो देखिए।